उज्जैन के अंकपाल क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया, जहां पर पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान चल समारोह भी निकाला गया और महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। प्रतिवर्ष यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जहां पर भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां पर होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होते हैं। कथा के समापन पर बांके बिहारी मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे, यहां पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये हमारे पूज्य गुरु जी श्री हरिनारायण शास्त्री जी जो 7 दिन की भागवत कथा कर रहे हैं, ये हमारे जो आग चौक पे व्यवस्थित मंदिर है श्री बांके बिहारी जी, जो कि काफ़ी समय से कथा में इन्हीं के थ्रू 7 दिन का आज समापन समारोह होने वाला है। कितने वर्षों से यहाँ पर होता है कार्यक्रम और क्या रहता है? 5 से 7 वर्षों से चला आ रहा है। कहाँ कहाँ के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं? रतलाम, नागदा, ये सभी मध्य प्रदेश से भक्तगण आते रहते हैं और अपना पूरा समय देते हैं। बताइए, यह कौन सा स्थान है और अभी यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कितने दिन तक होंगे और क्या रहा? ये अल्पा क्षेत्र है और बांके बिहारी मंदिर, यहाँ पर सतत 21 वर्ष से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहा है। फिर 7 दिन चलता है, इसमें आज इसकी पूर्णा होती है और इस प्रकार के आयोजन यहाँ होते रहते हैं। कभी भागवत कथा, कभी जन्माष्टमी का त्यौहार, कभी शरद पूर्णिमा उत्सव और कभी ये अक्षय तृतीया का उत्सव, श्रावण में झूला उत्सव, ये आयोजन होते रहते हैं। ये अंकपाल क्षेत्र पुरानी अवंतिकापुरी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे। यहाँ रग रग और कण कण में भगवान का वास है, चरण पड़े हुए हैं। इस धरती का, इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है और उसी में ही ये क्षेत्र में, अंकपाल क्षेत्र में बांके बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर नित्य सेवा पूजा आरती होती रहती है, रोज नित्य उत्सव होता रहता है। सुबह शाम आरती में यहाँ पर बहुत भक्तों की भीड़ रहती है और इस प्रकार के आयोजन यहाँ होते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।